हे गाइस, बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त शिप्रा। बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करने वाले बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट विकास गुप्ता का सफर अब शो में खत्म हो चुका है और इसी के साथ देवोलीना भट्टाचार्जी का शो में वापस आना भी कंफर्म हो गया है। जब विकास घर से बेघर हुए तो सभी घर वाले काफी इमोशनल दिखे। रश्मि देसाई जहां विकास गुप्ता के घर से बेघर होने की बात सुनकर रोने लगी, तो वहीं अब विकास गुप्ता ने घर से बाहर आने के बाद घर वालों के बारे में मीडिया से बातचीत की। स्पोर्ट बॉय को दिए गए इंटरव्यू में जब विकास से ये सवाल किया गया कि क्या शहनाज गिल इस सीजन की विनर होगी, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि शहनाज ये शो जीते। हालांकि उन्हें आसिम और सिद्धार्थ भी काफी पसंद है। विकास ने बताया कि वो अपनी बिग बॉस की शॉर्ट जर्नी से काफी खुश हैं। तो वहीं विकास गुप्ता ने सिद्धार्थ के साथ उनके बॉन्ड पर बात करते हुए कहा कि हमारी दोस्ती काफी अलग थी। मेरे घर से जाते वक्त सिद्धार्थ काफी इमोशनल हो गया था। साथ ही विकास गुप्ता ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि मैं घर में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी ला पाया हूँ। इसके अलावा सिद्धार्थ और रश्मि के झगड़े पर भी विकास गुप्ता ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। विकास गुप्ता ने कहा कि बीते शनिवार वीकेंड का वार एपिसोड देखने पर आपको पता चलेगा कि सिद्धार्थ रश्मि में से किसी की गलती नहीं थी। सलमान सर ने कहा कि विकास की सुनो वो सच बताएगा। यानी अब विकास गुप्ता ने घर से बाहर आने के बाद इस बात पर खुशी जाहिर की है कि वो घर में पॉजिटिविटी ला पाए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि आखिर उनका किस कंटेस्टेंट के साथ कितना अच्छा बॉन्ड था। बिग बॉस की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।